मंच पर चढ़ गई 40-50 लोगों की भीड़। महाराष्ट्र में योगेंद्र यादव पर हमला, हुई धक्का मुक्की, वीडियो वायरल। स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव महाराष्ट्र में एक हादसे का शिकार हो गए। चुनावी तैयारियों के बीच महाराष्ट्र पहुंचे योगेंद्र यादव पर एक कार्यक्रम के दौरान हमला हो गया, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव पर उनकी सभा में जोरदार धक्का मुक्की की। मामला सिर्फ धक्का मुक्की तक ही सीमित नहीं रहा, कार्यकर्ताओं ने सभा में नारेबाजी की और जमकर कुर्सियां भी तोड़ी। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल कर उन्हें कार्यक्रम से सुरक्षित निकाला। अपने साथ हुए इस हादसे को लेकर योगेंद्र यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि ये वंचित बहुजन अखाड़ी के कार्यकर्ता थे। मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं। वे वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग हैं। हमारे एक सहकर्मी ने पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों किया। तब आदमी ने कहा कि यह साहब का आदेश था, मुझे नहीं पता कि साहब कौन है। मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता, लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पर हमला किया है, और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है। क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को अकोला में लोकशाही सुरक्षा आनी आपलम मत विषय पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान लोकतांत्रिक मंच से संयोजक और चुनाव विशेषज्ञ योगेंद्र यादव भाषण दे रहे थे, तभी वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर बवाल मचा दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।